नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मुफ्त सलाह गुरुजी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दाद खाज खुजली जैसी समस्या को दूर करने का एक बिल्कुल ही आसान और बिल्कुल घरेलू नुस्खे के बारे में जानकारियां शेयर करेंगे। दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाजू में घंटे को दबा लें जिससे कि हमारे आने वाले अगले वीडियो की जानकारियाँ सबसे पहले आपको मिल जाया करेंगी। दोस्तों यह दाद खाज खुजली एक ऐसी समस्या है कि अगर आप दाद खाज खुजली से ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको बहुत ही जल्द दाद खाज खुजली की समस्या हो जाती है। और दोस्तों एक बार खुजली की समस्या हो जाती है तो आपको खुजलाते खुजलाते जान निकल जाती है। दोस्तों लोग इसे खत्म करने के लिए बहुत सारे ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन दोस्तों इसका साइड इफेक्ट हो जाता है और यह ठीक भी नहीं हो पाता है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो आपको घरेलू उपाय बताने वाले हैं, आपको इसका किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है, इसका किसी भी तरह का आपके चेहरे पर नुकसान नहीं है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आपको इस रेमेडी को तैयार कैसे करना है। दोस्तों आपको इस रेमेडी को तैयार करने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक खाली कटोरी की। तो दोस्तों आप यहां पर ले लेंगे एक खाली कटोरी और दोस्तों आपको इसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो इस्तेमाल करने हैं वह है दोस्तों हल्दी पाउडर। दोस्तों हल्दी पाउडर के अंदर एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों हल्दी पाउडर का इस्तेमाल चेहरे को निखारने के लिए प्राचीन काल से होता आ रहा है। तो दोस्तों आप इस हल्दी पाउडर को लगभग आधी चम्मच की मात्रा में इसके अंदर ऐड कर लेंगे। दोस्तों आप लगभग इतनी मात्रा में इस हल्दी पाउडर को इसके अंदर में ऐड कर लेंगे और फिर उसके बाद आपको इसमें अगला इंग्रेडिएंट जो इस्तेमाल करने हैं वह है दोस्तों ये एलोवेरा। तो दोस्तों आप इसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आप इसके पत्तियों को तोड़ लें और इसे बीच से फाड़ कर और इसका रस बिल्कुल ही अच्छी तरह से इसके अंदर में ऐड कर लेंगे। आपको कुछ इस तरह से इसके रस को निकाल कर इसके अंदर ऐड कर लेने हैं और फिर उसके बाद आपको इसमें अगला इंग्रेडिएंट जो इस्तेमाल करने हैं वह है दोस्तों यह कपूर की टिकिया। दोस्तों यह वही कपूर है जो आप अपने पूजा घरों में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इस कपूर के इस्तेमाल से दाद खाज खुजली की समस्या में उत्पन्न हुए कीड़े को यह बहुत ही आसानी से मार देता है और उन्हें खत्म कर दे। तो दोस्तों आप इस कपूर के एक से दो टिकिए को इसके अंदर में मिक्स कर लेंगे। दोस्तों आपको कुछ इस तरह से इसके अंदर में इस कपूर के टिकियों को ऐड कर लेना है और फिर उसके बाद दोस्तों आपको इसमें सबसे आखिरी और सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट जो इस्तेमाल करने वह है दोस्तों यह नीम की पत्तियां। दोस्तों इस नीम के पत्तियों के अंदर एंटीसेप्टिक गुण पाया जाता है जो कि दाद खाज खुजली की समस्या को खत्म करने के लिए बहुत ही गुणकारी साबित होता है। तो दोस्तों आप इस नीम के पत्तियों को बिल्कुल अच्छे तरह से पीस लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर इसे पहले से पीस कर रखा हुआ है। तो दोस्तों आप इसमें लगभग 2 से 3 चम्मच की मात्रा में इस नीम के पत्तियों को इसके अंदर ऐड कर लेंगे और फिर उसके बाद आप इन सारी चीज़ों को आपस में बिल्कुल अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही कारगर नुस्खा बन करके तैयार हो जाता है। दोस्तों आपको इसका इस्तेमाल नियमित रूप से दिन में 2 बार करना है, सुबह और शाम। दोस्तों अगर आप इसका लगातार 2 से 3 दिन तक इस्तेमाल करते हैं तो आपके दाद खाज खुजली की समस्या में बहुत ही जल्द राहत दिखाई देगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारियाँ। हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिए। हम आपसे जल्द ही जुड़ते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।